खेल कुमार काफी एग्रेसिव मुक्केबाज माने जाते हैं। अगर उनके खिलाफ पंच होता है तो उसका जवाब वो बहुत उत्तेजित तरीके से देते हैं। अगर मॉरिशस के बॉक्सर ने कोशिश की पहला हमला तेज करने की तो अखिल कुमार के पास जवाब बहुत गति से रहता है। उनके फुटवर्क बहुत अच्छा है, उनके पंच दायां पंच तो बहुत ही अच्छा है और दोनों बाएं दाएं अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा है और बहुत ही अच्छी एंड्योरेंस है उनकी। ये मुक्केबाज मॉरिशस तैयार। पहला राउंड रिचर्ड गुरु और भारत के अखिल कुमार 25 साल के गोल्ड मेडल मुकाबला 54 किलोग्राम वर्ग का जेट में भारत के। कुमार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2005 में स्कॉटलैंड में हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीते थे 54 किलोग्राम वर्ग में। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अलग थी। फिलहाल दो अंक उनके पास हैं। मॉरिशस के रिचर्ड एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा था, कोई लाभ नहीं। भारत अखिल कुमार 4 अंक पर। अखिल कुमार 5 खाता नहीं खुलने दिया उन्होंने मॉरिशस के बॉक्सर का। भारत की अच्छी संभावनाएं 54 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल की है अखिल कुमार से। आज के मैच के रेफरी जॉन रोज है ऑस्ट्रेलिया के। पहले राउंड तक भारत के अखिल कुमार 6-0 से आगे हैं। अखिल कुमार दाएं बाएं दोनों पंच सक्सेसफुल। दूसरा राउंड नंबर 2। दर्शक हर लिहाज से मनोरंजन आनंद ले रहे हैं। अखिल कुमार पहला अंक मिला, देखना यह होगा अखिल कुमार के ऊपर अगर हमला होता है तो वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। वो है जवाब 7-1 से आगे हैं फिलहाल भारतीय बॉक्सर। दूसरे राउंड में भी बेहतर प्रदर्शन अखिल कुमार का। 25 साल के 9-1 से आगे फिलहाल
पहुंचे मॉरिशस के बॉक्सर मिचेल। ऑस्ट्रेलियन रेफरी जॉन रोज। दर्शक पूरी तरह से दोनों ही बॉक्सरों को सा रहे हैं। 36 सेकंड दूसरे राउंड में भी भारतीय मुक्केबाज हट। चार पर पहुंचे मॉरिशस के मुक्केबाज भारत के दस के मुकाबले। मेलबोर्न एग्जीबिशन सेंटर ये गोल्ड के लिए मुकाबला चलता हुआ 54 किलोग्राम वर्ग भारत और मॉरिशस के बीच। अखिल कुमार ऋषभ और ये दो राउंड दूसरे राउंड में 11-4 से आगे भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार। किस तरह से उन्होंने दाएं हाथ से पंच किया था और फिर बाएं से उसमें अच्छे अंक मिले थे सेकेंड राउंड के अंदर ये, और उसके बचाव कितना अच्छा करते थे अखिल। मॉरिशस का बॉक्सर जो है अभी तक पीछा रहा है और दर्शक उनको और हौसले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बेहतर मुकाबला करें भारतीय अखिल कुमार। और बहुत अच्छा पंच 12 पे पहुंचे। 13 से पूरी मैच्योरिटी के साथ काम लेना होगा क्योंकि गोल के काफी नजदीक जाता हुआ भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार। मेलबोर्न का यह शहर यादगार क्षण उनके लिए लेके आया। 15-5 से आगे हैं तीसरे राउंड में। भविष्य भारत का मुक्केबाज है सोलह पांच से आगे भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार। मॉरिशस के मुक्केबाज जब भी हमला करता है अखिल कुमार बहुत आसानी से उसको बच जाता है। 17-6 से आगे तीसरा राउंड लगभग 30 सेकेंड का तीसरे राउंड में 17-6 से अखिल कुमार आगे। 54 किलोग्राम और 17-7 से आगे अखिल कुमार। ने पहले ही कहा था कि अगर वो मेरे खिलाफ एग्रेसिव होंगे तो मैं उनसे कहीं दुगना एग्रेसिव होंगे साबित करते हुए अभी से राउंड तक भारतीय मुक्केबाज 17-8 से आगे हैं। वेनु कोच भारतीय मुक्केबाजी की।